हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन गार्डन पर। मेरे दोस्तों, ये हमारी हिबिस्कस की कटिंग है जिसका 100% सक्सेस रेट आया है। इससे आज से पहले किसी बड़े से बड़े गार्डनिंग चैनल पे आपने इस कटिंग इस तरीके से कटिंग को ग्रो होते हुए नहीं देखा होगा। मेरे दोस्तों, ये 100% सक्सेस रिजल्ट है और ये वो हिबिस्कस है जिसमें से मैंने ये कटिंग्स ली हैं। ये आप मिला लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि कोई दूसरी चीज़ दिखा देते हैं। मेरी वीडियो 100% सच्ची होगी मेरे दोस्तों। और ये कटिंग का जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज से पहले कभी किसी गार्डनिंग चैनल पर किसी ने नहीं बताया होगा। आज ही मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं जो अपलोडिंग की तारीख है वो मिला लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपके पास वीडियो पहुँचेगी किसी भी चैनल की, वो इसकी तारीख के बाद ही होगी मेरे दोस्तों। ये 100% सक्सेस रेट है। ये सिर्फ मैंने पहली बार इस वीडियो को बनाया है, पहली बार इस वीडियो को इस पर मैंने अपना एक्सपीरियंस लगाकर आपको दिखाया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे दोस्तों कौन सा मेथड मैंने यूज़ किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, यह है एलोवेरा। एलोवेरा जेल की मदद से मेरे दोस्तों मैं हिबिस्कस की कटिंग को आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। और उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि इसमें 100% सक्सेस रेट आएगा। जो मैं मेथड यूज़ करने में जा रहा हूं, आज से पहले कभी किसी गार्डनिंग चैनल पर यह मेथड किसी ने यूज़ नहीं किया होगा मेरे दोस्तों। अगर इससे पहले कोई अगर वीडियो इसके बाद अगर आती है, आप मेरे वीडियो की तारीख नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। और किसी बड़े गार्डनरिंग चैनल पर अगर ये वीडियो आती है तो आप तारीख मिला लेना, मेरा वीडियो पहले का होगा। अब इसका एलोवेरा का जेल निकाल कर हम एक पानी में इसको घोल लेंगे मेरे दोस्तों। जेल निकालना बहुत ही आसान है, इसे छुरी से इससे कट लगा दीजिए किसी चाकू से। और ये मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ एक मग में, उस मग में एलोवेरा का जेल बनाऊँगा, आपको लगा कर निकाल कर भी दिखाऊँगा। मैंने स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, वीडियो को कतई स्किप मत करना मेरे दोस्तों। ये एलोवेरा जेल निकालने का सबसे आसान तरीका है। आप इसमें सारा एलोवेरा का गूदा निकाल कर इस मग में घोल दीजिए मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये मैंने चम्मच से इसको अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे। और सारा कुछ इसी में मैंने डाल दिया है, इसके छिक्कल छील के भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और एलोवेरा का सारा जेल मैं इसमें निकाल ले रहा हूँ, बढ़िया करके साफ़ कर लेना आप। अभी इसमें बहुत जेल बाकी है, अच्छी क्वालिटी के एलोवेरा के ऊपर वीडियो मैं बनाऊँगा मेरे दोस्तों। आगे आने वाली अपडेट आपको दिखाऊँगा। अब ये एलोवेरा का इसमें मैंने गूदा निकाल कर रख दिया है, और इसको अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। बढ़िया तरीके से घोल के देख लीजिए कितना लंबा लंबा खींच कर जा रहा है। एलोवेरा का जेल तैयार हो चुका है। अब इसको घोल कर अब मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे हिबिस्कस की 100% कटिंग ग्रो होगी। इसको अच्छी तरीके से घोल कर ये सामने मैंने चीफ एंड वेस्ट, जो मेरे पास दही के घर पे जो दही आता है इस्तेमाल करने के लिए, वो दही के गिलास हैं जो मैंने लिए थे। और इसमें हमें एलोवेरा जेल का वही पानी मैं इसमें डाल लेता हूं मेरे दोस्तों। तरीका पुराना है मगर मेरे दोस्तों मैंने इसमें जो किया है और जो मैं करूंगा वो ही बेस्ट होगा, उसी मेथड से 100% रिज़ल्ट आने की उम्मीद है मेरे दोस्तों। और मैं इसमें तीन तरीके से एलोवेरा जेल की मदद से ही कटिंग लगाऊंगा। एलोवेरा एक एंटी फंगल और एक रोटिंग हार्मोन दोनों ही का काम करता है, बहुत ही अच्छे गुण इसमें पाए जाते हैं। और ये मेरा चौथा है, इसमें भी एलोवेरा जेल का पानी ले लूँगा, करीब आधा। अब ये मैंने जो कटिंग्स हैं मैंने काट कर रखी हैं, मैं इसकी कटिंग की अपडेट भी दूंगा। इसमें एक शार्प कट 45 डिग्री का आपको लगाना है मेरे दोस्तों, याद रहे शार्प ही शार्प नाइफ हो, यानी तेज़ चाकू हो जिससे कट्स लगाना है। अगर थोड़ा सा भी गुठल या बेकार चाकू होगा तो उससे आपकी कटिंग ग्रो नहीं करेगी, इसलिए आपको बहुत ही शार्प कट लगाना है। और 1 से 1.5 इंच पानी में कटिंग को एलोवेरा जेल के पानी में डुबो कर रखना है। सारी कटिंग में यही प्रोसेसर आपको दोहराना है मेरे दोस्तों।
याद रहे आपका नाइफ जो है एकदम शार्प होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। मैंने इस नाइफ को पहले ही एलोवेरा जेल के पानी से धोकर साफ़ कर लिया है और इसकी कटिंग लगाकर मैं आपको इसी नाइफ़ से दिखा रहा हूँ। अब इसमें ऊपर से थोड़ी सी छील के इसका बक्कल भी उतार दीजिएगा दोस्तों। अब ये मैं इसमें जो मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ, वीडियो पर बने रहिएगा मेरे दोस्तों, वीडियो को कतई स्किप मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगे शेयर करना और कमेंट्स करना मेरे दोस्तों। इस वीडियो में 100% सक्सेस रेट आने की उम्मीद है। ये जो मैं इसके बाद एक तरीका जो मैं करने जा रहा हूँ वो वीडियो के मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये शार्प कट लगा लीजिएगा और इसको ऊपर से हल्का सा छील लीजिएगा ताकि इससे में सारे प्रोटीन और सब जा सके। एलोवेरा के रोटिंग हार्मोन, एलोवेरा एक रोटिंग हार्मोन का काम करता है, फ्री का रोटिंग हार्मोन है। ये मैंने दो बोतल काट कर रखी है, इसमें नीचे अच्छे से ड्रेनिंग होल बना लिया है। मेरे दोस्तों मेरी गार्डनिंग में ज़्यादातर चीज़ें चीफ एंड बेस्ट वाली गार्डनिंग मैं करता हूँ, कम पैसे में अच्छी चीज़। अब ये दही का आपके घर पर आता है, आप इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको धोकर रख लेता हूँ और गार्डनिंग में इस्तेमाल करता हूँ कटिंग ग्रो करने में। ये वो चार कटिंग्स मैंने लगा दी हैं। अब मैं ये दो कटिंग्स जो है मिट्टी में लगा कर दिखाऊँगा। इसमें दो तरीके से लगाऊँगा, एक को ऐसे ही रख दूँगा और एक पर बोतल चढ़ा कर रखूँगा। और इस पर मैं जो तरीका करूँगा मेरे दोस्तों, उसको मैं अगर बांधूंगा एक काली पन्नी इसके ऊपर चढ़ाकर, इसको बांधकर बनाना है मेरे दोस्तों। अगर काली पन्नी बांधकर दिखाऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, वीडियो वैसे भी लंबी हो जाएगी, अगर पन्नी बांधकर दिखाऊंगा तो और लंबी हो जाएगी। चलिए अब दूसरी कटिंग इस लगाते हैं। दो कटिंग्स बची हैं, अब मैं इसको मिट्टी में ग्रो करूंगा, मिट्टी में लगाकर दिखाऊंगा। और इसमें जो एलोवेरा का छिकल जो बचा था इसमें काफ़ी जेल है, इसको अच्छी तरीके से इस पर रगड़ लीजिएगा दोस्तों। और इसको 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर दाब देना है। ये देखिए मेरे दोस्तों, ऐसे करके इसको दाबना है। और एक कटिंग को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा, दूसरी कटिंग को मेरे दोस्तों एक मैंने बोतल काट कर रख ली है उस पर चढ़ा कर रख दूँगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये एलोवेरा का जेल है, सारे में यही प्रोसेसर दोनों में दोहराना है। अब मैं इसका रिज़ल्ट उम्मीद करता हूँ इसमें भी 100% ही रिज़ल्ट आएगा। देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है मेरे दोस्तों। ये दूसरी कटिंग लगा दी है मैंने, अब इसको हल्के से दाब देना है। याद रहे दोस्तों, कटिंग लगने के बाद हिलना नहीं चाहिए, हिलेगी कटिंग तो ग्रो नहीं हो पाएगी। जेल के अंदर तो कुछ भी हो जाए। अब मैं ये बच्चे कुछ ये चार कटिंग मेरी रखी हुई हैं पीछे, मैंने इसको एलोवेरा जेल में डिबो कर रखा है। इस पर ब्लैक रंग की पोलोथीन, ये बचा हुआ एलोवेरा का जेल का पानी है मेरे दोस्तों, जो मैंने थोड़ा सा और जेल बना कर रखा वही पानी इसमें डाल देंगे। याद रहे दोस्तों, एलोवेरा एक एंटी फंगल है, आपकी मिट्टी में कोई फंगल अटैक नहीं होगा। पीछे जो कटिंग रखी है मेरे दोस्तों, इन कटिंग पर मैं ब्लैक रंग की पोलोथीन से कवर कर दूंगा, इसका ऊपर का हिस्सा बढ़िया करके बांध दूंगा ताकि इसमें कोई रोशनी ना जा सके दोस्तों। यही मेरा मेथड है, इससे 100% रिजल्ट आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।